हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शारुख जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन चिल्ड्रन, जो आपके डीपीएससी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है। उसके यूनिट वन में एक टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस। इंटीग्रेटेड नेचर मैंने करा दिया है, किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस। इसके अलावा डीपीएससी एनवायरमेंट का एग्जाम आपका बहुत पास ही है, और अगर आप चाहते हो कि मैं एनवायरमेंट एग्जाम से रिलेटेड या फिर सारे एग्जाम से रिलेटेड कोई टिप्स दूं तो मेरी वीडियो चेक कर लेना। मेरी वीडियो अपलोड कर दी है, उसकी प्लेलिस्ट है ऑल अबाउट एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है। इंटरडिसिप्लिनरी होता है इन्वॉल्विंग टू और मोर एरियाज ऑफ नॉलेज, मतलब दो तीन जगह के चीजें एक जगह अप्लाई करना, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। आइडियाज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, वही मैंने बोला कि इसमें मल्टीपल एरियाज से चीजें आती हैं, आइडियाज आते हैं, नॉलेज आती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस। इट इंक्लूड लाइफ साइंस, सिविक साइंस, कल्चर, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। अब हमारा जो है बायोलॉजी और बॉटनी एक होता है, जूलॉजी भी एक होता है, बायो में आते हैं लेकिन बायो की स्ट्रीम्स होती हैं, साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये सारा जो आता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में आता है। क्यों? क्योंकि साइंस के ही अलग अलग एरियाज को हम एक जगह कंबाइन कर रहे हैं, साइंस बोल रहे हैं, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस। अब इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या दिखाता है? वो दिखाता है नॉलेज बेस्ड, लिटरेसी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के अंदर आपको इन चारों चीजों का ध्यान रखना है। कैसे? आपको नॉलेज भी बच्चों की बढ़वानी है, बच्चों की लिटरेसी भी बढ़वानी है, बच्चों की इंक्वायरी स्किल्स भी बढ़वानी है, और बच्चों को प्रोजेक्ट भी देनी है। That is interdisciplinary nature. अब इसके benefits क्या है? Authentic learning means बिल्कुल ठीक learning होती है। Real life learning means हम real life से सीख के याद करते हैं। Cognitive level बढ़ाता है, learner की strengths को दिखाता है, engaging है, बहुत बच्चा engaged रहता है। Student centric means बच्चे को ध्यान में रख के ये हमारा interdisciplinary approach start हुई है, साथ साथ ये बच्चे का interest बढ़ाता है। अगर आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इस टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना।